नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके इस चैनल काम की बात में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अपशकुन होता है तुलसी के पौधे का सूखना, पैसों की तंगी दूर करने के लिए हर शुक्रवार को करें ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, लगभग प्रत्येक हिंदू घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है। इसे अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु को भोग लगाते समय उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल जाता है। इस पौधे से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। आयुर्वेद में तुलसी को औषधीय गुणों वाला पौधा माना गया है। इस पौधे से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि तुलसी का पौधा अचानक मुरझाने लगता है, इसकी पत्तियां अपने आप ही गिरने लगती हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा होना किसी अपशगुन का संकेत होता है। जानते हैं दोस्तों तुलसी से जुड़ी मान्यताएँ और उनसे कुछ जुड़े उपाय। पहला दोस्तों, अगर परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई मुश्किल आने वाली है तो उसकी सबसे पहली नज़र घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ती है। शास्त्रों में भी यह बात लिखी है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती हैं और वहां दलिता का वास होने लगता है। दूसरा दोस्तों, वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वास्तु के अनुसार तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम में लगा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, अगर तुलसी के गमले को रसोई के आसपास रखा जाए तो किसी भी प्रकार के गृह कलेश से मुक्ति पाई जा सकती है। चौथा दोस्तों, यदि आपकी संतान आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है तो पूर्व दिशा में रखी हुई तुलसी के तीन पत्तों को प्रतिदिन बच्चों को खिलाने से वो आपकी आज्ञा का पालन करने लगेंगे। पांचवा दोस्तों, आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या लगातार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखी तुलसी पर प्रत्येक शुक्रवार को कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागिन स्त्री को दे दें, इससे आर्थिक लाभ मिलने लगता है। छठा दोस्तों, नौकरी पेशा व्यक्ति यदि बॉस से परेशान है तो ऑफिस की खाली जमीन पर किसी गमले में सोमवार को तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर दबा दीजिए, इससे ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। सातवां दोस्तों, घर की महिलाएं यदि प्रतिदिन तुलसी में शुद्ध जल अर्पित कर शालिग्राम का अभिषेक करें तो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, ये थे तुलसी माता से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण उपाय जिनका प्रयोग कर आप अपने जीवन में सुख शांति व पैसों से जुड़ी तंगी को दूर कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर कीजिए।